जो पेब्रिन एक प्रोटोजोअन डिसीज है जो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तितली के माध्यम से जो पास ऑन होता है, इसको ठीक ठाक जो जांच करके जो मदर माउथ एग्जामिनेशन टीम से करना है, और वो करने में बहुत सारा जो तकनीकी है जो हमारा CTATA की तरफ से जो आया है, पेब्रिन विजुअलाइजेशन यूज करने से पेब्रिन का जो उसका स्कोर ठीक से दिखाई दिया जाता है। इसके अलावा जो सरफेस डिसइंफेक्शन जो अंडा बनने के बाद उसको ठीक से धोया जाता है, उसके लिए हमारे पास डिप्यूरिटेक्स एक जो टेक्नोलॉजी है इसको अपनाना है। और तीसरा मैं जैसा बताया जो ड्रेनेज के समय पे सही ढंग से जो इमरजेंस होने का उसका जो भी हम क्लाइमेट चेंज में नज़र में रखते हुए ठीक ठाक बीजोत्पादन के समय में वो क्रम लेना। जो अभी भले 40 से ज़्यादा तकनीकियाँ इस संस्थान से निकले हैं, और पिछले साल हम पूरा जो किसान भाई लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके पिछले दो तीन साल में हम 9 तकनीकियाँ ऐसा निकाला है जिसमें मुख्य रूप से जो बीजोत्पादन और बीज कोष उत्पादन में जो तकनीकियाँ जो 3-4 तकनीकियाँ अपनाना पड़ेगा, एक है जीवन सुधा वायरसेस रोकने के लिए, एक है लीफ सरफेस माइक्रोब्स जो बैक्टीरियासिस को उससे जो बाधा से दूर रखने के लिए, जो पेब्रिन विजुअलाइजेशन सॉल्यूशन बताया मैं, पेब्रिन स्कोर ठीक से जांच करने के लिए एक डिप्यूरिटेक्स हुआ जो ऊपर जो भी कृमि या पेब्रिन का स्कोर रहता है उसके जो हम निष्क्रिय करने के लिए जो डिप्यूरिटेक्स का। इसके साथ बहुत सारा जो तकनीकियाँ जो कीट पालन में हो सकता है या पौधा रोपण में हो सकता है उसको अपनाना। बीज उत्पादन निजी क्षेत्र में अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश है, कैसे तकनीकों को अपनाकर बीज उत्पादन कर सकते हैं? देखिए तस्वर में निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन ना की बराबर था पहले। अभी जो पिछले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो सकता है या नाबार्ड का TDF का एक प्रोजेक्ट आया था, और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इसमें मैं जैसा पहले बताया था तीनों बीजोत्पादन का जो कैटेगरी इसमें अभी बहुत सारा निजी बीजोत्पादन निजी क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ क्या है, वो लोग समय समय से जो रिप्लेनिशमेंट बोला जाता है क्योंकि हाइब्रिड नहीं है, अभी कोलान में कर रहा है तो थोड़ा सा जो संधाव परिमा का जो बीज कोष या बीज ले आना है ताकि उसका विगर अच्छा सा रह सकता है। और जो जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से हम सीड सर्टिफिकेशन कर रहा है उसका सीड ऐप अवेयरनेस प्रोग्राम में वो भाग लेना है ताकि वो सभी तकनीकी गतिविधियाँ एक कर सकता है, और जो प्राइवेटाइजेशन का वो हम चल रहा है उसका और बलबूत होगा।